हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कार्बन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन जो है वो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है। कार्बन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सी। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे हम, C6 मतलब 2 4, और हाइयर लेवल में आप 11th 12th में पढ़ेंगे 1। उसका कॉन्फिगरेशन रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स होगा 1s2 2s2 2p2। बाद में कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये बॉन्ड जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 4 ही है। नाउ कार्बन, अब हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर। कार्बन किस तरह से बॉन्ड फॉर्मिंग करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के साथ हम देखेंगे कि क्या है। सी सिक्स, पहले हम कॉन्फिगरेशन लिख लेंगे 2 4। 4 उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल है जिसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए हम सेंट्रल में, सॉरी सेंट्रल में सी कार्बन इसे डिनोट करेंगे। उसका पहला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दिखाएंगे। बाद में उसका सेकेंड ऑर्बिटल जिसमें कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में देखा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 अंदर के टोटल 6 हो गए। नाउ अगर किसी भी एटम को स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना इम्पॉर्टेंट है। नाउ दूसरा रूल है जो कि डुप्लेट रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि उन दोनों में ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। हीलियम तो नोबल गैस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो टू हैव जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन दस इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वी कैन से हाइड्रोजन एंड हीलियम, बोथ इन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर एटम को स्टेबल होना है तो लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होना इम्पॉर्टेंट है। नाउ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमें और 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से लेंगे जिसका कॉन्फिग्रेशन है 1। ऐसे अगर हम 4 हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जो कि हमें ज़रूरत है कार्बन के बॉन्ड फॉर्म के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। क्या करेंगे, पहला हाइड्रोजन लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा हाइड्रोजन लेंगे और फोर्थ हाइड्रोजन वी विल टेक। एवरीबडी हैज इट्स ओन 1 1 इलेक्ट्रॉन विच दे विल शेयर टू। अगर हाइड्रोजन वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये देखिए जैसे इसमें, अब ये जो चारों के चारों ये बॉन्ड फॉर्मिंग में आएंगे, ये देखिए ये 2 फॉर्म करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट इन वन बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन गेट पार्टिसिपेट, जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये देखिए पहले 2, दूसरे 2, तीसरे 2 और ये चौथे 2, इन टोटल वी गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सी 8 इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम स्टेबल, जो कि हमें चाहिए था। ये हो चुका है अब स्टेबल। नाउ हम इसका डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम इन बॉन्ड को किस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉट का यूज़ करेंगे, जैसे कि ये डॉट, ये 2 डॉट, और ये जो डॉट है ये स्टूडेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। 4 बॉन्ड फॉर्म हो चुके। नाउ सेकेंड मेथड जो होगी वो होगी हमारी डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर
यानी कि उसमें डैश और लाइन से हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, एच और ये बॉन्ड, सी एच एच और ये एच, चार हो चुके हैं। और एक और मेथड हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर और डॉट क्रॉस मेथड, जिसमें हम कार्बन को डॉट से और हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे कहते हैं हम डॉट क्रॉस मेथड और स्ट्रक्चर। स्टूडेंट देखते ही देखते हमने एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल दिया जिसका नाम है मीथेन, CH4 मीथेन, जो कि अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। देखते ही देखते हमने बना